भूले हुए चंदेल राजा जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को हराया और अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। त्रिलोक्य वर्मन 1202 में सुल्तानत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलंजरा किले में चंदेल राजा परमादिदेव को हराया और अपने राज्य के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। लेकिन 1205 तक परमादि के पुत्र त्रिलोक्य वर्मन ने काकड़वा मप्र में एक युद्ध में विदेशी आक्रमणियों के खिलाफ करारी हार दी। इसके बाद उसने कलंजरा सहित क्षेत्रों को वापस ले लिया जो पिछले लड़ाई में आक्रमणियों से हार गए थे। ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए त्रिलोक्य वर्मन ने 1205 से 1241 ईस्वी तक शासन किया। हमारी संस्कृति आज जीवित है ऐसे योद्धाओं के लिए।